हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुड लिविंग चैनल पर। आज हम बात करेंगे टर्टल वाइन प्लांट के बारे में, जिसे कैलेसिया रेफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही सुंदर सकुलेंट प्लांट है, जिसे कटिंग से भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसे उगाने के लिए इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए और टर्टल वाइन को ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं है। अगर महीने में हम इसे एक बार फर्टिलाइज कर दें तो भी ये बहुत अच्छा चलता है। इस प्लांट को आप इंडोर और आउटडोर कैसे भी रख सकते हैं। इंडोर इसे ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम आधे घंटे की धूप या फिर फिल्टर्ड सनलाइट इसे मिले। और इसे इंडोर रखते हैं तो इसे दूसरे या तीसरे दिन भी अगर आप पानी दें तो बढ़िया चलेगा। और इसे आउटडोर रखते हैं तो इसे डेली ही वॉकिंग की जरूरत है। इस पौधे को नमी बहुत पसंद है, तो इसकी मिट्टी थोड़ी सी गीली होनी चाहिए और इसे पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी थोड़ी सूख जाए। और इसे कटिंग से भी आसानी से हम इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए, इसके हर नोड पर रूट्स निकली हुई है, तो ये आसानी से ग्रो कर जाता है। देखिए, इसकी एक कटिंग से भी हम इसको ग्रो करके दिखाएंगे। जो ये नोड पर रूट है दोस्तों, यहाँ से हम इसको ले लेंगे। थोड़ा सा ये जो लीफ है इसकी हटा देंगे और ऐसे मिट्टी हटाई और इसकी जो रूट्स है उसको थोड़ा सा इसको ऐसे लगा दिया। ये कटिंग और ले लेंगे जिसमें रूट्स निकली हुई है। थोड़ा सा पानी दे देंगे दोस्तों। एक महीने में आप देखिएगा गमला पूरा भर जाएगा और बेलें ऐसे लटकने लग जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ।